मोड़ आप देख रहे हैं, यहाँ मोड़ से और ऊपर तक, इसके भी ऊपर तक काफी बहुत बड़ा जाम लग जाता है जब 15 जून को मेला लगता है। ये कैंची धाम है और मेला लगता है तो यहाँ पे ये जूते स्टैंड, जूता का स्टैंड बन जाता है पूरा इतना बड़ा, और पूरा पैदल ये है कैंची धाम। नीम करोली बाबा कहते हैं, नीम करोली बाबा, हाँ ये नीम करोली बाबा के आसपास चलिए। ये नीम करोली बाबा का मंदिर ये रहा, माँ जी के दरबार। हाँ यहाँ पे फेसबुक के जो सीईओ है और सारे लोग, ये बाबा दिख गए हो तो यहाँ से एंट्री, पीछे से गेट था, एंट्री होती है और दोनों साइड कई किलोमीटर भयंकर लंबा जाम लगता है। मतलब उस दिन तो ट्रैफिक बंद हो जाता है इस रोड का, एक दिन के लिए रोड बंद रहता। अगर आप 15 जून को आ रहे हैं तो आप इधर ना आए क्योंकि ये रोड बंद रहता है। फिर वो रोड खुलता है उधर से, क्या जगह है वो, मुक्तेश्वर साइड से निकलता है। धीरे धीरे जगह भी भूलने लग गई है तो आप लेंच वाले हो। अभी आपको दिखाते हैं, ऐसा पूरा जाम रहता है, पूरी गाड़ियां लगी रहती है। कैसे खेती कर रहे हैं लोग देखिए, ये कोई पहाड़ी मकान है और लोगों ने खेती कितनी बढ़िया कर रखी है। सारी सब्जियां बिना सीजन की ही जाती, जब प्लेन्स में सीजन नहीं होता तो यहाँ पे पॉली हाउस में और वैसे भी यहाँ पे उगाते हैं। प्लांटेशन कितना अच्छा किया हुआ है, सारे चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं। पाइन व्यू कितना खूबसूरत है, मस्त एकदम। 12 डिग्री टेम्परेचर है, 12 डिग्री काफ़ी कम टेम्परेचर हो चुका है ना। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल मस्त टाइप के। वहाँ से करीब यहाँ तक 3-4 किलोमीटर जाम लगता है। यहाँ पे के वो लोग नीम करोली बाबा का जब मेला लगता है, और ये देखो कितना बड़ा यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था इस जगह से, ऊपर से पत्थर गिरता, अभी भी पत्थर गिरा हुआ सड़क में, ये देखो आराम से खतरनाक स्टोन निकला हुआ, नुकीला एकदम खड़ा है वहाँ पे एक ना। ये सारा बहुत डेंजरस इलाका है और ये सब जगह स्टोन गिरता रहता है, इसलिए कहते हैं पहाड़ की जर्नी काफी रिस्की होती है और बारिश में तो बहुत ज्यादा। ऊपर कोई भी अगर जानवर चल गया तो नीचे पत्थर सीधे आ जाता है, बहुत तेज आता है, बहुत खतरनाक एकदम। एक छोटा पत्थर भी घातक होता है। आए दिन यहाँ तो रोड बंद हो जाती है, क्या मस्त। ये रोडवेज की बसें, छोटी छोटी बसें होती है ना, पत्थर इधर। यहाँ भी स्टोन गिरा है ऊपर से बहुत, अरे अरे कितना खतरनाक पत्थर गिरे ना, चट्टानों से टूटे होते हैं वो, बहुत नुकीले हो जाते हैं। वो नीचे आने आने तक वो बहुत तेज गिरते हैं, नीचे वेट ज्यादा होता ना। ये पहाड़ के मकान दिखने लगे, खूबसूरत छोटे छोटे मकान कमरे, देखो क्या मस्त लग रहे। पहाड़ की जिंदगी काफी कठिन है, टफ है, सबके बस का नहीं है। ये एक पन बिजली परियोजना है, यहाँ बिजली बनती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रामगढ़ बिजली परियोजना। तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा गर्म पानी से पहले पहुंचे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं मेढक पत्थर, ये जो सभा कुछ लिखा हुआ है
ये सिस्टर्स दिख नहीं रहा आपको, देखो काला वाला ना, ब्लैक वाला बड़ा वाला। हाँ देखिए ये मेढक पत्थर है यहाँ पे। अब ये वो जो पुल है ये भी एक अजूबा, ये समझो ये तार ब्रिज है। क्या मस्त लग रहा पुल, मतलब ये आवागमन का एक साधन का रास्ता था। नीचे देखो कितनी खतरनाक खाई, बाप रे, ये मतलब सीधे नीचे एकदम सीधा वर्टिकल है। और ये नदी है और ये मकान बना हुआ कितना खूबसूरत सा। और ये होम स्टे का है क्या ये? टेंट है, टेंट वेंट बने हुए हैं ये, लेकिन सन्नाटा कोई है ही नहीं वहाँ रुका हुआ। ये तार का ब्रिज बना हुआ है, आप देख सकते हैं तार का ब्रिज। और उसी के नीचे जो काला वाला पत्थर दिख रहा है ना, वो ग्राम सभा कुछ लिखा है, एक मेढक शेप का है, तो उसको मेढक पत्थर कहते हैं। और उसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये। कुछ ऐसी लोकेशन है, अरे यहाँ ऊपर देखो क्या मस्त लग रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा। भागो भागो गाड़ी में। क्यों सर, कैसा लग रहा? थकान भी होगी, पहाड़ में ड्राइव करने की भी थकान होती है। हाँ ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये टेंट के हाउस बनाए हुए हैं और हट बना हुआ है। तो ये टेंट हाउस मिलेगा, ये ब्रिज से पार करके जो है, ये तार वाले ब्रिज से पैदल पार करके चले जाएंगे उधर, शायद बाइक वाइक भी चली जाती होगी उसमें। ये है गर्म पानी, यहाँ चश्मा है, गर्म पानी का चश्मा। चश्मा मतलब नेचुरल वाटर आता रहता है। अभी हम गर्म पानी में, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो खैरना आ जाएगा, वहीं से रूट कटता है अल्मोड़ा, वहीं से रानी खेत एक रोड चला जाता है और सीधे जाते हैं तो अल्मोड़ा चला जाता है। थोड़ी सी रोड जो है सीधी हो जाती है यहाँ आके, प्लेन बिल्कुल। बुलेट का भाई रुतबा ही अलग है ना, जो बुलेट पे बैठ गया बड़ा रौले से चलता है। और ये सुबह सुबह किसने बकरे का टांग भून दिया है, पूरा तो महक रहा है, किसने बकरा भून दिया सुबह सुबह। अरे गाड़ी में घुस गई खुशबू उसकी, भुटुआ कहते हैं उसको, भुटुआ। क्या कर रहा है, बिल्कुल जीरो कर दी इसने इसकी क्विट। इससे तो डर लग रहा मुझे। तो हम आ चुके हैं खैरना, और खैरना में ये पेट्रोल पंप रहा है, इकलौता पेट्रोल पंप है यहाँ खैरना का। ऊपर पहाड़ है, राइट साइड में पहाड़ है और लेफ्ट साइड में नदी है। सर नदी का नाम क्या है? ये है काम नहीं, दो नदियां मिलती यहाँ पे ना। क्या हो गया बेल्ट निकाल, जाएंगे। अच्छा ये बड़ा वाला होटल ना, ये बहुत अच्छी चाय देते हैं। हाँ इसके यहाँ मैंने कई बार खाया, क्या जगह भी रहती पार्किंग की ना। तो हम पहुंचे खैरना, आगे वाला ये रहा, ये कौन ये वाला बड़ा वाला ना। तो हम पहुंचे खैरना और इसका नाम है हट गया भैया, होटल में चलते हैं भाई साहब लोग थोड़ा चाय वाय पियेंगे। यार खतरनाक ठंडा हो रहा भाई। चलोगे क्या ऊपर चोटी पे? ट्रैकिंग होगा इसमें। तो भाई खैरना के फेमस होटल में पहुंच चुके हैं और थोड़ी चाय वो पी जाए। पकौड़ियाँ चाय पकौड़ी, चलो ये ठंड पता नहीं इतना ठंडा क्यों हो रहा, 10-11 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर का। और पानी, मैं तो उस नल में हाथ धोने गया भाई, क्या यार बर्फ जैसा पानी हो रहा है।
उस नल में बेसिन में मैंने कल पानी को आधा लेकिन एकदम जैसा पड़ा। तो अभी हम लोग कृष्णा होटल में खैरना में है। क्या मंगाया ऑर्डर किया? पराठे छोले, छोले पराठे। नाश्ता वास्ता कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, मस्त घूमेंगे एकदम इंजॉय करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, ये गाड़ी चलाने वाले भाई साहब, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, मैं भी ड्राइवर, तीनों के तीनों ड्राइवर कंटिन्यूअस चल सकते हैं 24 घंटे। गाड़ी के दिवस 24 घंटे चल सकते हैं ड्राइवर। काफ़ी अच्छा होटल है और लोग प्रेफर करते हैं कृष्णा में ही है नाश्ता वगैरह करना। चाय बहुत अच्छी है, चाय भी अच्छी है। तो भाई पराठा आ गया है और छोड़ा मस्त खुशबू आ रही है। अरे यार गजब खुशबू आ रही है, मस्त पराठा। और पराठे के साथ में यह है अचार और यह है छोला। जूम तो नहीं कर सकते लेकिन ऐसे तो जूम कर सकते। नाश्ता पानी हो गया है, खाना पीना करने के बाद अब चलते हैं। एक चाय, एक चाय। हाँ क्या मस्त हवा चल रही भाई, मतलब। और दूसरी चीज़, हवा में शुद्धता कितनी है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, मतलब पॉल्यूशन फ्री है। हम लोग इन्वायरमेंट में आ गए हैं। तो चाय साय नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। अरे भाई खतरनाक ठंडा हो रहा है सर यहाँ, ठंडा ही मिलेगा आपको आगे भी। क्या ठंडा हो रहा, खतरनाक। बंद करो, बंद। उंगलियां अकड़ने लग गई सुबह सुबह।